हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक अर्टिकेरिया, जिसको नेटल रश के नाम से या हाइव्स के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में इसको शीतपित्ती कहते हैं। अर्टिकेरिया के ऊपर इंग्लिश नोट्स के साथ वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम हिंदी नोट्स के साथ इसको पढ़ेंगे। तो अर्टिकेरिया क्या होता है? अर्टिकेरिया एक प्रकार की स्किन की एलर्जी होती है, जिसमें शरीर के ऊपर क्या होता है, लाल कलर के चकत्ते बन जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर सूजन आ जाती है। अर्टिकेरिया मेनली दोनों प्रकार का हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है और नॉन इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल मतलब एलर्जी के कारण से भी हो सकता है। एलर्जी में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो किसी चीज़ को क्या मान लेती है, एंटीजन मान लेती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, जो कि सामान्यतया एंटीजन नहीं होना चाहिए। जब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये मास्टर सेल को डैमेज करता है। जब मास्टर सेल डैमेज होते हैं तो वहाँ से हिस्टामिन रिलीज होता है और इस हिस्टामिन के कारण से स्किन जो है उसके अंदर बहुत तेज खुजली होती है और लाल कलर के चकत्ते बन जाते हैं, उसी को अर्टिकेरिया कहते हैं। तो अर्टिकेरिया जो है वो इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है। नॉन इम्यूनोलॉजिकल मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, मतलब कोई इरिटेंट है वो क्या कर रहा है, एपिडर्मिस को डैमेज कर देता है और उसके कारण से भी हो सकता है। ज़्यादातर अर्टिकेरिया जो होता है वो एलर्जी के कारण से होता है। अब अर्टिकेरिया जो इसके कारण अगर देखिए किन कारण से होता है, तो मेन अब जी जस्ट बात की, ये मेनली एलर्जी के कारण से हो सकता है। एलर्जी किसी चीज़ से यदि व्यक्ति को एलर्जी है, जैसे कि भौतिक कारक में ठंड है, हीट है, चोट है, दबाव है या इमोशनल स्ट्रेस, उसके कारण से कुछ ड्रग्स एलर्जी हो सकते हैं, जैसे पेनिसिलिन है, एनएसआईडी ड्रग होती है, लीवर के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उसके कारण से। कुछ भोजन जो होता है उससे भी एलर्जी हो सकती है, जैसे क्रैब्स है, एग है, शेलफिश है, उससे। परजीवी जो होते हैं, जैसे पेट में परजीवी का इन्फेक्शन हो गया, जैसे एस्केरिस है, जियार्डिया है, लाइस का इन्फेस्टेशन हो गया है, प्लेग है, तो उसके कारण से भी हो सकता है। कुछ और पैथोजन जो है उसके संपर्क में आने के कारण से, या स्किन की कोई डिसीज कंडीशन है उसके कारण से हो सकता है। एक मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव जो है स्ट्रेस लेने के कारण से भी हो सकता है। कुछ ये आनुवंशिकता के कारण से भी हो सकता है, इसके अलावा वायरस या बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण से भी हो सकता है। अर्टिकेरिया किन कारणों से होता है उसके आधार पर इसके टाइप दिए गए। एक फिजिकल अर्टिकेरिया होता है। फिजिकल अर्टिकेरिया स्किन के ऊपर कोई इंजरी होने पर, इंसेक्ट बाइट लगने पर या स्क्रैचिंग जो है वो करने पर होता है। एक कोल्ड अर्टिकेरिया होता है। कोल्ड अर्टिकेरिया मेनली ठंडी हवा जो है उसके संपर्क में आने के कारण से होता है। एक सोलार अर्टिकेरिया होता है। सोलार अर्टिकेरिया होता है वो धूप जो है उसके संपर्क में आने के कारण या धूप से एलर्जी हो उसके कारण से होता है। एक एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया होता है। एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया पानी जो है उसके संपर्क में आने के कारण या पानी से एलर्जी के कारण से, ज़्यादातर पानी के अंदर क्लोरीन मिली होती है, उस क्लोरीन के एलर्जी हो उसके कारण से हो सकता है। एक कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया होता है। कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया मेनली तनाव जो है उसके कारण से या इमोशनल तनाव जो होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, उसके कारण से हो सकता है। इसके अलावा क्रॉनिक अर्टिकेरिया होता है। क्रॉनिक अर्टिकेरिया मेनली एक प्रकार की ऑटो इम्यून कंडीशन हो जाएगी। ज़्यादातर अर्टिकेरिया जो होते हैं वो एक्यूट प्रकार के होते हैं। एक्यूट अर्टिकेरिया जो होते हैं वो एलर्जन के संपर्क में आने के विदिन कुछ ही घंटों में शुरू हो जाते हैं और ये लगभग 24 घंटे के अंदर, जैसे ही एलर्जन से व्यक्ति दूर होता है 24 घंटे के अंदर अपने आप सब्साइड हो जाते हैं। जबकि दूसरा प्रकार क्रॉनिक अर्टिकेरिया होता है, लगभग यूँ समझ लो कि 80% एक्यूट होते हैं और 20% जो होता है क्रॉनिक अर्टिकेरिया होता है। क्रॉनिक अर्टिकेरिया मेनली ऑटोइम्यून कंडीशन के कारण से होते हैं। इसमें शरीर का ही कोई प्रोटीन का अणु जो होता है वो क्या मान लेता है, एंटीजन मान लेता है और उसके कारण से उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है और अर्टिकेरिया होता है, तो वो क्रॉनिक अर्टिकेरिया हो जाएगा। क्रॉनिक अर्टिकेरिया में जो लक्षण होते हैं वो लगभग 6 सप्ताह या उससे ज़्यादा दिनों तक, 6 माह तक भी रह सकते हैं। अब बात करते हैं अर्टिकेरिया जो होते हैं उसके क्लिनिकल फीचर, मतलब क्या लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। तो अर्टिकेरिया के लक्षणों में एक तो क्या होता है कि लाल उभरे हुए फफोले बन जाते हैं, मतलब लाल कलर के व्हील बन जाते हैं जो कि स्किन के ऊपर उभरे हुए रहते हैं। ये चकत्ते जो होते हैं वो विभिन्न आकार के रहते हैं, सिक्के के आकार के भी हो सकते हैं और ज़्यादा बड़े आकार के भी हो सकते हैं। चकत्तों के अंदर बहुत तेज खुजली होती है। व्यक्ति जैसे जैसे खुजली करता जाएगा चकत्तों का आकार जो होता है वो बढ़ता जाता है। कुछ समय बाद ये चकत्ते जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं और बड़ा चकत्ता जो है बना लेते हैं। चकत्तों के साथ साथ आसपास की त्वचा जो है उसके अंदर सूजन भी रहती है। इसके अलावा हल्का हल्का बुखार जो है वो भी आ सकता है। कभी कभी मुंह के अंदर सूजन जो है वो भी आ सकती है। एक लिप्स जो होते हैं उसके ऊपर सूजन मिल सकती है। ये तो इसके लक्षण जो है वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, तो उसमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो अर्टिकेरिया में एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है, जिसमें त्वचा के ऊपर उभरे हुए चकत्ते जो होते हैं जिसको व्हील कहते हैं वो दिखाई देते हैं। दूसरा ब्लड टेस्ट की जाती है। ब्लड टेस्ट के अंदर इओसिनोफिल जो होते हैं उसकी संख्या बढ़ी हुई मिलती है। इसके अलावा स्टूल टेस्ट किया जाता है। स्टूल टेस्ट के अंदर कोई परजीवी जो है उसके अंडे उपस्थित तो नहीं है, उसके कारण से नहीं हो रहा है, ये देखा जाता है। ये तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसका ट्रीटमेंट जो है वो।
तो अर्टिकेरिया जो है उसके ट्रीटमेंट के अंदर एक तो एंटीस्टामिन ड्रग जो है वो काम में ली जाती है। ये एंटीस्टामिन जो होती है वो हिस्टामिन जो है उसको न्यूट्रल करती है, उसको न्यूट्रल करके जो इचिंग जो होती है उसको कम करती है। एंटीस्टामिन के अंदर जैसे क्लोरफेनारमाइन मेल है जिसको एविल कहते हैं वो काम में लेते हैं, इसके अलावा सिट्रीजिन है, लिवोसिट्रीजिन है, लोराटाडाइन है, एलेग्रा है, इत्यादि काम में ली जाती है। दूसरा स्टीरॉयड ड्रग जो होती है वो काम में ली जाती है। यदि एंटीस्टामिन से रिलीफ नहीं मिलता है तो स्टीरॉयड का ड्रग काम में लेते हैं, जैसा डेक्सामेथासोन जो है वो, ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, ये भी क्या करता है कि केमिकल जो होता है उसको न्यूट्रल करने का काम करती है। उसके अलावा और कुछ ड्रग काम में ले सकते हैं, एड्रेनलिन जो होती है वो काम में ली जाती है। एड्रेनलिन जो है उसे भीगा हुआ सॉफ्ट कपड़ा जो होता है वो रखा जाता है, ये भी क्या करता है इसमें आराम दिला सकता है। एक एंटासिड जो है वो दिया जाता है, एंटासिड मेनली पेट के अंदर कोई एसिडिटी प्रॉब्लम है तो उसके लिए दिया जाता है। इसके अलावा कैलामाइन लोशन जो है वो खुजली में राहत पाने के लिए कैलामाइन लोशन जो है वो दिया जाता है। तो ये तो अर्टिकेरिया जो है उसका मेडिकल मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट क्या होता है वो हो जाएगा। अब बात करते हैं अर्टिकेरिया जो है उसके अंदर नर्सिंग केयर जो है वो क्या देनी है। तो अर्टिकेरिया के अंदर मेनली क्या करना है कि खुजली जो है उसको कम करने के लिए कोल्ड कंप्रेस जो है वो दिए जाते हैं, मतलब बर्फ से सेक किया जाता है, या फिर ठंडे पानी से भीगा हुआ कपड़ा जो है वो रखा जाता है। एक मेंथोल शेविंग क्रीम जो है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी क्या करता है खुजली जो है उसको कम करती है। इसके अलावा मिंट जो होते हैं उसको पानी में उबाल लिया जाता है, और उसके बाद जो पानी रहता है उस पानी के अंदर कपड़ा जो है भिगाया जाता है, और उस कपड़े को रखने पर भी खुजली जो है वो कम हो सकती है। एक जो है वो पेशेंट जो उसको जिस चीज़ से एलर्जी का पता है उस एलर्जी से उसको दूर रहने की एडवाइस दी जाती है। एक कपड़े जो है वो लूज़ कपड़े जो है वो पहनने की एडवाइस दी जाती है। साथ ही पेशेंट जो है उसको कॉटन के क्लोथ जो है वो पहनने की एडवाइस दी जाती है। एक साबुन जो होता है मतलब स्ट्रॉन्ग साबुन जो है परफ्यूम साबुन जो है अवॉइड करने के लिए कहते हैं। एक सन एक्सपोजर जो है उससे बचने की एडवाइस दी जाती है पेशेंट को। इसके अलावा एक्सेसिव पर्स्पिरेशन जो है उसकी भी एडवाइस दी जाती है। यदि ज़्यादा पसीने के कारण से अर्टिकेरिया हो रहा है तो पसीना जो है उससे उसको बचना है, या पसीना ज़्यादा आने से बचाव करना है। तो ये तो अर्टिकेरिया जो है उसके नर्सिंग मैनेजमेंट मतलब क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड कराएंगे वो हो जाएंगे। तो ये था अर्टिकेरिया जो कि स्किन की एक एलर्जी कंडीशन होती है। नर्सिंग रिलेटेड टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।